क्या कर रहे हो आप? ये गर्मी लग रही है यार बहुत ज्यादा। तो पाउडर क्यों लगा रहे हो? इतना सारा पसीना देखो आपको आया हुआ ऊपर। पसीना आ रहा है इसलिए पहले एसी चलाऊं यार, गर्मी इतनी। एसी आपको पता है एसी में नहीं बैठना चाहिए बाहर से आके। पहले तो टेम्परेचर को बढ़ाऊं, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। ठंडा ठंडा। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि ये अभी जो कि बाहर से आए इतना ज्यादा पसीना इनको आ रहा था, ऊपर से इन्होंने पाउडर लगा लिया, ऊपर से एसी के सामने खड़े, और खुजली देख सकते हैं आप इनको कितनी ज्यादा, जो कि खुजली पूरे शरीर में हाथों पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुजली इनको हो रही है। मैं आपको बता दूं तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुजली इनको हो रही है, देख सकते हैं आप कितने ज्यादा परेशान ये हो गया है। लेकिन आज इसको उपाय मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जो भी खुजली आपकी इनके हाथों में देख सकते हैं कितनी ज्यादा हो रही है, हाथ जो कि रेड होना जो कि स्टार्ट हो गया, हाथ देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुजली इनको हो रही है। क्या होता है, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी मेरी फ्रेंड जो कि बाहर से आई थी इतनी ज़्यादा परेशान थी, मतलब इतना काम करके वो आई बाहर से, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे वो आई, और वो मतलब पंखा भी चल रहा था, ऊपर से एसी जो कि उसने चला लिया, उसके कारण क्या हो गया, उसके रोम छिद्र जो कि बंद हो गए। जी हाँ, और ऊपर से क्या करा उसने, अपने हाथ पर जो कि पाउडर लगा लिया जिसके कारण उसके रोम छिद्र जो कि बंद हो गए, जिससे हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं हमारी स्किन को। क्योंकि जो हमारे रोम छिद्र होते हैं ना वो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में डस्ट होता है ना उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारे जो शरीर पर पसीना आता है ना वो आना अच्छा होता है, जैसे जिनका फैट बढ़ गया अगर पसीना आता है तो फैट कम होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जो भी जैसे रोम छिद्र से जो पसीना निकलता है, जो भी हमारी बॉडी से पसीना आता है उससे क्या होता है हमारी बॉडी क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है। बॉडी क्लीन होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, हमें ठंडक महसूस होगी, जो भी शरीर की गर्मी है वो बाहर निकलेगी। और क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं तो आप सब जानते ही हैं कि उन्हें भी बोला जाता है कि आपको पसीना आना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये खारिश उन्होंने करी उसके कारण बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे उनका हाथ जो कि बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, ठीक है। लेकिन आज मैं एक उपाय लाई हूँ, एक घरेलू नुस्खा लाई हूँ जिसे यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप बाहर से आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि बाहर बारिश है, इतनी गर्मी है, मौसम ऐसे चल रहे हैं, बाहर से आएंगे तुरंत और ऐसे एसी में बैठेंगे, पाउडर वगैरह लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको यूज़ किस चीज़ का करना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने जो कि सरसों का तेल लिया है। जी हाँ, हम सब जानते हैं सरसों का तेल जो कि हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, इससे हम सब्जियाँ भी बनाते हैं, कई लोग इसे बालों में भी यूज़ करते हैं, ये कच्ची घानी से जो कि बना होता है इसके कारण ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हमने लिया है चूना। हमने लिया है चूना। जी हाँ, चूना हम सब जानते हैं जो खाने वाला चूना होता है वो वाला चूना आपको इस्तेमाल करना है। इसको क्या करना है, हमें जो रात को हमें इसे पानी में जो कि भिगो कर रख देना है, एक चम्मच सिर्फ आपको इसको लेना है और एक गिलास में लेना है। और जब ये नीचे बैठ जाए, जैसे कि अभी आप सब देख सकते हैं ये जो चूना ये सारा नीचे बैठ गया, और ऊपर जो पानी है वो इतना ज़्यादा मतलब प्योर लग रहा है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा, प्योर लग रहा है, तो इसमें चूने की मात्रा बिल्कुल कम है। तो चूना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे जो हमारे मुहासे होते हैं, कील होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं खत्म होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, अगर इसको हम लिमिटेड मात्रा में यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो नुकसान भी दे सकता है। तो हमें क्या करना है, सरसों के तेल में हमने एक चम्मच सरसों का तेल लिया, इसमें क्या करेंगे हम एक चम्मच जो कि ये चूना जो कि इसमें डाल देंगे, ये चूने वाला पानी एक और हम इसमें डाल देंगे। जैसे अभी ये छोटी चम्मच है इसलिए हमने जो कि ये पानी है दो चम्मच इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से आपको इसको मिक्स करना है, और जहाँ पर भी आपको खुजली होगी, जहाँ पर भी आपको खारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, बंदरों की तरह नाच रहे हैं, तो वो सारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अभी ये मेरी फ्रेंड है, इसको अपने हाथ पर लगा के दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको जो कि इसको लगाना है, अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से इसको लगाना है, जहाँ पर भी खाज खुजली है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो इसी तरह से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको खुजली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इस नुस्खे को यूज़ करा कि नहीं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बताऊँ ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना।